हेलो स्टार्टअप बॉयज फ्रेंड्स, आज हम खाता बुक ऐप की सक्सेस स्टोरी जानेंगे कि यह कैसे शुरू हुआ और इसका बिजनेस मॉडल क्या है तथा आप किस तरह इसका यूज डेली लाइफ में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्टअप बॉय अड्डा को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपने बही खाता के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसका उपयोग दुकानदार या व्यापारी कस्टमर्स की लेन देन का ब्यौरा लिखने के लिए करते हैं। लेकिन यह बही खाता बुक एक्सीडेंटली कभी फट जाती है तो कभी पानी में भींग जाती है और कभी कभी गुम भी जाती है, जिससे दुकानदारों एवं व्यापारियों को बहुत हानि होती है। खाता बुक ऐप स्मॉल एंड मिडिल बिजनेसमैन की इन्हीं समस्याओं को दूर करता है। खाता बुक ऐप एक बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप है जो छोटे और मझोले कारोबारियों को अपना फिजिकल लेजर डिजिटल कॉपीज में सेंड करने में हेल्प करता है। यह ऐप सभी प्रकार के बिजनेसेस के लिए फ्री एंड सेफ है, जिस कारण दुकानदार तथा व्यवसायी ग्राहकों के जमा और उधार जैसी लेन देन का रिकॉर्ड इसमें बिना किसी डर के रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यह जानते हैं कि खाता बुक ऐप की शुरुआत कैसे हुई। 2016 में रवीश नरेश ने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐप kaiti.ai डेवलप किया, जिसके थ्रू वह अपने कस्टमर्स को SMS रिमाइंडर के द्वारा अलर्ट करके उनका खर्च पैटर्न समझने में मदद करना चाहते थे। शुरुआती दिनों में काइटी ने अच्छा किया, लेकिन वह एक्सपेक्टेड ग्रोथ स्केल तक नहीं पहुंच पाया। इसके साथ ही रवीश नरेश तथा उनके दोस्तों ने यह रियलाइज़ किया कि उनके अधिकांश यूजर्स मेट्रो सिटीज़ के बाहर के थे और उन्होंने पहली बार यह गौर किया था कि इंडियन ऑनलाइन यूजर्स डिजिटल ट्रांजेक्शन्स का यूज अपने व्यापार में बहुत कम कर रहे थे तथा वे अब भी ट्रेडिशनल खाता या बही खाता पर भरोसा कर रहे थे। यहाँ से खाता बुक ऐप का आइडिया आया और उन्होंने एक सिंपल कैश मैनेजमेंट ऐप पर काम करना शुरू कर दिया और 2018 में रवीश नरेश, आशीष सोनानी, धनेश कुमार, जयदीप पुनिया और वैभव कल्पे ने मिलकर खाता बुक ऐप को लॉन्च किया। तो चलिए दोस्तों, अब खाता बुक ऐप के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। खाता बुक ऐप एक B2B डिजिटल लेजर मोबाइल ऐप है। इसमें व्यापारी अपने सभी कस्टमर्स की लेन देन को शिफ्ट कर सकते हैं। इस ऐप में आप उधारी लेने की तारीख भी डाल सकते हैं और आपके बिजी होने पर भी यह ऐप ऑटोमेटिक रिमाइंडर आपके कस्टमर्स के पास भेज देगा और उधारी का मैसेज देकर ग्राहक उधारी न देने का बहाना करे तो यह ऐप इसके साथ ही हिसाब किताब की रिपोर्ट भी भेज देता है, जिसकी पेमेंट ग्राहक दुकान आकर या ऑनलाइन भी कर सकता है। आज यह ऐप 10 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इन्वेस्टर्स, खाता बुक ऐप ने अभी तक सिकोया कैपिटल, जीजीवी कैपिटल, टेंसेंट जैसे इन्वेस्टर्स से लगभग $250 मिलियन की फंडिंग रेज की है। खाता बुक ऐप ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है, जिसके तहत महेंद्र सिंह धोनी ने खाता बुक में कुछ इन्वेस्ट किया है और अब वह इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ खाता बुक। खाता बुक का यूज आज 5000 से भी अधिक सिटीज एंड स्मॉल टाउन्स के दुकानदार तथा व्यापारी करते हैं। खाता बुक ऐप के प्रेजेंट टाइम में 20 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं।